फ्रेंड्स, वेलकम टू गोरीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ शीर खुरमा की, वो कैसे बनाया जाता है ये मैं बताती हूँ आपको। मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और जो हम ड्राई फ्रूट्स का यूज करेंगे वो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। आप ओवर नाइट सारे ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखिए और उसके बाद फिर सुबह इनका यूज कीजिए। अगर आप रात को भिगाना भूल गए हैं, 2 घंटे पहले इसे इन सब ड्राई फ्रूट्स को गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। अब बादाम के हम छिलके निकाल लेंगे और फिर इसे लंबा लंबा बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। चारोली को नहीं भिगाया है मैंने। केसर को भी दूध में भिगो के रख दिया है। इलायची पाउडर, सूखे खजूर या हरिक भी कहते हैं हम इसे, इसको हम इसके बीज निकाल कर इसके लंबे लंबे पीसेस या फिर जो जिस प्रकार के भी छोटे छोटे पीसेस करना है उस पीसेस में आप काट के इसे रख सकते हैं। पिस्ते को भी रात को भिगा के रख दिया था। 10-15 पिस्ते, 10-15 काजू, 10-15 बादाम, इन सब चीज़ों को हम रात को भिगो के रख देंगे और फिर इसका यूज़ करेंगे। दूध हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूध हम 8-10 मिनट तक बॉईल करेंगे। और जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है अच्छे से, तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लेते हैं। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रेडी कर लिए हैं। सबको लंबे लंबे पीसेस में मैंने काट लिया है। अब हम इसको तैयार करते हैं ड्राई फ्रूट्स को। हमारा दूध जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। गैस ऑन करके पैन मैंने गैस पर रख दिया है और उसमें अब हम 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और घी में अच्छे से इनको सेक लेंगे। आप लगातार हिलाते हुए इसे रोस्ट कीजिए, जलना नहीं चाहिए। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। काजू, बादाम, पिस्ता और खारिक, इन चारों को हम पहले अच्छे से रोस्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद ये अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें किशमिश और चारोली डालेंगे। चारोली को चिरौंजी भी कहा जाता है, वो हम पहले नहीं डालेंगे, वो जल्दी सीख जाती है। और इसे लगातार हिलाते हुए आप सेकिए, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है इसे हमें, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं सारी चीज़ें, उसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इस स्टेज पे किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश और चारोली भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से इसमें सेक लेंगे। इस प्रकार जो भिगाकर हम ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो शीर खुरमे में हमेशा इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स यूज किए जाते हैं जिससे कि वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इस प्रकार से ही इसमें यूज करें ड्राई फ्रूट्स को। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स एकदम रेडी हो गए हैं और अब हम इस गैस बंद कर देते हैं। 8-10 मिनट हो गए हैं हमारे दूध को बॉईल होते हुए और ये देखिए इसकी क्वांटिटी भी आधे से थोड़ी ज़्यादा रह गई है। और अब हम इसमें जो हमने घी में ड्राई फ्रूट सेक कर रेडी किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हम घी सहित इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है इसका। इससे क्या होगा, शीर खुरमा बिल्कुल क्रीमी बनेगा और बहुत ही अच्छा हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी होगा। और अब हम इस स्टेज पे जो हमने केसर के धागे भिगो के रखे थे दूध में वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। गैस ऑन करके पैन मैंने वापस गैस पर रख दिया है, उसी पैन का यूज करेंगे। उसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी और डालेंगे हम। हमने 1/2 कप बारीक वाली जो सेवइयां आती है बाजार में रेडीमेड मिलती है उसका यूज किया है, वह भी हम घी में अच्छे से सेक लेंगे। इसको भी लगातार हिलाते हुए आप सेकिए, ये भी बारीक रहती है इसलिए बहुत जल्दी सीख जाती है और इसके भी जलने की संभावना रहती है, इसलिए आप लगातार हिलाते हुए इसे सेक लीजिए घी में अच्छे से। ये देखिए सेवियाँ अच्छा गुलाबी कलर हो गया है इसका और अच्छे से घी में रोस्ट हो गई है। ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है सेवियाँ सीखने की।
आप इसमें एक लीटर में आधा कप करीब ही सेवैया का यूज करें, ज्यादा सेवैया का यूज ना करें। और बस सीख कर रेडी हो गई है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी हम जो उबल रहा है हमारा दूध उसमें ऐड करेंगे। सारी घी सहित सेवैया हम इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे एकदम सेवैया इसमें डालना है क्योंकि दूध भी गर्म है और सेवैया भी गर्म है, एकदम दूध में उफान आ जाता है। डालते हुए अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखिए सेवैया डाल के हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और सेवैया अच्छे से बॉईल होने लग गई है। अब हम इस स्टेज पे, मैंने एक कप से थोड़ी कम शक्कर का यूज किया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें कंडेंस मिल्क का भी यूज करते हैं। इस स्टेज पर मैं कंडेंस मिल्क का यूज नहीं करूंगी, विदाउट कंडेंस मिल्क ही शीर खोरमा हम बनाएंगे और वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हिलाएंगे और 5-6 मिनट तक हम अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और अब हम इस स्टेज पे जो हमने इलायची पाउडर जो मैंने दरदरा कूट के रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका, एकदम क्रीमी हमारी खीर बनकर रेडी हो रही है। और ये देखिए बहुत गाढ़ी भी हो चुकी है अच्छे से, परफेक्ट खीर खुरमा बनकर रेडी हुआ है ये। आप इस रेसिपी से जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं और अच्छे से बॉईल कर लिया है शक्कर डाल के। और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी शीर खोरमा एकदम तैयार हो गया है, क्रीमी टेक्सचर वाला। और बस अब हम इसे गैस बंद करके 1-2 मिनट तक इसे ढक के रखेंगे ताकि इसके जितने भी फ्लेवर्स और ड्राई फ्रूट्स के जितने भी फ्लेवर है वो उसमें सब में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है और इसको हम 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। और जिसे गर्म पसंद है उसे आप गर्म सर्व कीजिए और जिसे ठंडा पसंद है उसे आप ठंडा सर्व कीजिए। ये थोड़ी सी नॉर्मल हो, ठंडी हो जाए खीर, उसके बाद फिर आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में जब ठंडी हो जाए अच्छी सी खीर तो आप ठंडा ठंडा उसे सर्व कीजिए। ठंडा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा इसका और एकदम गाढ़ी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना क्रीमी और गाढ़ा हो गया है ये। ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये लीजिए तैयार है हमारा टेस्टी शीर खोरमा, और आप इस रेसिपी से जरूर बनाइए और सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।